अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम सबक नंबर 12 पढ़ेंगे, इसका तर्जमा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादा अजाबहुल कौमु अजाब। देखिए, अजाब युजीबु इजाबतन, इसका मतलब होता है जवाब देना। मादा क्या, अजाब जवाब दिया, हु उनको, अल कौमु कौम ने, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात चल रही है, उनको दाई बनाकर भेजा गया था, रसूल बनाकर भेजा गया था कौम में, तो कौम का क्या रिएक्शन रहा। वलम्मा قام نوح في قومه يقول اني لكم رسول امين, और जब खड़े हुए नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में, قام يقوم खड़े होना, लम्मा जब खड़े हुए नूह अलैहिस्सलाम في قومه अपनी कौम में, يقول और कहने लगे, यानी ये कहते हुए खड़े हुए, اني لكم رسول امين कि बेशक मैं, इन्नी बेशक मैं, लकुम तुम्हारे लिए, रसूलुन अमीनुन एक अमानतदार रसूल हूँ। अमीनुन जमा उमना अमानतदार, मौसूफ सिफत देखिए, रसूलुन अमीन। तो जब हजरत नूह ने ये कहा अपने कौम में तो क्या हुआ, कौम बाज़ुन नासी, देखिए बाज़ का मतलब होता है कुछ और एक भी होता है, तो हम यहाँ पर कुछ का तर्जमा करेंगे। तो कौम बाज़ुन नास, कुछ लोग खड़े हुए, यकूलूना और कहने लगे, मता सारा हादा नबीयन, मता होता है कब, सारा यसीरु हो जाना, ठीक है, ये अफाल नाक़िस में से सारा मैं आपको बता चुका हूँ। मता सारा कब हो गया, हादा ये नबीयन नबी, कि ये नबी कब हो गया है, ठीक है, ये नबी कब से हो गया। देखिए सारा की जो खबर है यहाँ पर नबीयन, ये हमारी क्या है, मंसूबा ही है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारी अरबी ग्रामर की प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ से अफ़ाल नाक़िसा के सबक को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये कब से नबी हो गया, मता कब हो गया ये नबी। बिल अम्सी काना रजुलम मिन्ना, देखिए यहाँ पर बिल अम्सी का हम तर्जमा करेंगे कल, लेकिन कल कोई सा भी हो सकता है भाई, कल हर हमारा गुजरा हुआ दिन क्या है, कल है, जो परसों है हमारा वो भी कल है। जैसे हम कहते हैं ना, आपस में बातचीत भी करते हैं, कह रहे भाई कल तो यार तू हमारे साथ खेलता था, तो वही वाला कल, अब ये नहीं कि वो यस्टरडे वाला कल। देखिए अरबी में फ़र्क है, यस्टरडे वाला जो कल है उसके लिए बग़ैर अलिफ लाम के आता है, अम्सी आता है खाली बग़ैर अलिफ लाम के, कभी भी उस पर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ होगा। अगर अम्सी पर अलिफ लाम लग जाए, अल अम्स हो जाए, तो फिर क्या होगा, उससे गुज़िश्ता कल मुराद नहीं होगा बल्कि पिछला ज़माना मुराद होता है। जैसे उर्दू में हम यूज़ करते हैं कि भाई पिछले ज़माने में तो ऐसे करता था, तो उर्दू में तो हम बोलते हैं कि भाई कल तो यार तुम हमारे साथ उठते बैठते थे और आज ये हो गया है, तो उसके लिए हम अम्स पर अलिफ लाम लगा देते हैं, ठीक है। तो बिल अम्स का न रजुलम मिन्ना, कल तो ये एक आदमी था, मिन्ना हम में से ही, इसकी हैसियत क्या थी, सिर्फ एक आदमी की हैसियत थी, ये हम में से ही एक आदमी था। वलयौम यकूलु, और आज ये कह रहा है, अना रसूलुल्लाह इलैकुम, कि बेशक मैं अल्लाह का कासिद हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, इलैकुम तुम्हारी जानिब, मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ। तो कुछ लोगों ने तो ये कहा, वकाल अस्दिका नूहिन, और नूह अलैहिस्सलाम के दोस्तों ने कहा, अस्दिका सदीकुन की जमा अस्दिका दोस्त, दोस्तों ने क्या कहा कि हादा कान यलअबू, ये खेला करता था या ये खेलता था, माना हमारे साथ, फिस्सिगरी, देखिए सिगरुन स्वाद देर सी गैन जबर का सिगरुन होता है ये, ठीक है, ये सगीरुन नहीं है, सगीरुन छोटे को बोलते हैं, सिगरुन बचपन को बोलते हैं, कि ये खेलता था माना हमारे साथ, फिस्सिगरी बचपने में, कि ये बचपने में हमारे साथ खेलता था, वयजलिसु माना और हमारे साथ बैठता था, उठता बैठता था हमारे साथ, कुल यौमिन रोजाना, फमता तो कब, जाअत आ गई, हु उसके पास, अन्नबुव्वतु नबुव्वत, तो इसके पास नबुव्वत कब से आ गई, कब आ गई, हमारे साथ उठता बैठता था, खेलता था बचपने में, आ लैलन क्या रात में, आ मतलब क्या, लैलन रात में, क्या रात में, अम नहारन या दिन में, क्या रात में या दिन में, कब आई है। तो ये जो है दोस्तों ने ताना दिया। अब देखिए, वक़ाल अल अग़निया वल मुतकब्बिरून, तीसरी कैटेगरी के लोग थे जो मालदार थे और घमंडी लोग थे। देखिए मुतकब्बिरून जमा मुतकब्बिरून घमंडी, और मालदारों ने और जो घमंड करने वाले थे, तकब्बुर वाले लोग थे, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, अमा वजदल्लाहु अहदन गैरहू, आ क्या, मा वजदा नहीं पाया,
अल्लाहु अल्लाह ने आहदन किसी को गैरहू उसके अलावा, देखिए गैरू बोलते हैं अलावा को, कि क्या अल्लाह ने किसी और को नहीं पाया उसके अलावा, अल्लाह को कोई और नहीं मिला, यही मिले नूह अलैहिस्सलाम, यही मिले इनको। अमात अन्नासु कुल्लुहुम, आ क्या माता यमूतु मर जाना, क्या मर गए अन्नासु कुल्लुहुम सब के सब लोग, कुल्लुन बोलते हैं सबको, ठीक है कुल्लुन सब, क्या सब के सब लोग मर गए, ठीक है। देखिए अमाता ये अमाता युमीतु वाला नहीं है, समझ रहे हो, अमाता युमीतु का मतलब होता है मारना मौत देना, युही व युमीत, लेकिन ये आ अलग है, ये इस्तिफामिया है, और माता ये हमारा जो है सुलासी है, माता ये मूतु मर जाना, क्या सारे लोग मर गए। अमा वजद फिल कौम इल्ला फकीरन, क्या आ क्या मा वजदा उसने नहीं पाया, किसने अल्लाह ने, क्या अल्लाह ने नहीं पाया फिल कौम कौम में इल्ला फकीरन मगर एक फकीर आदमी कोई, क्या अल्लाह को पूरी कौम में एक फकीर आदमी ही मिला, ये भी तर्जमा कर सकते हैं आप। वकाल अल जुहालु, और जाहिलों ने क्या कहा, देखिए सब लोगों को बताया जा रहा है कि किस किस ने क्या कहा, तो जाहिलों ने क्या कहा, जुहाल जाहिल की जमा है, देखिए जाहिलों ने कहा मा हादा इल्ला बशरुम मिसलुकुम, अरे ये कुछ नहीं है, मा नहीं है हाजा ये इल्ला मगर बशरुन एक इंसान, बशरुन इंसान को बोलते हैं, कि नहीं है ये मगर एक इंसान, मिसलुकुम तुम्हारी तरह, ये तुम्हारी तरह एक इंसान है, खामखे झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं है तुम्हारी तरह एक इंसान है। वकालू, और उन्होंने कहा, जाहिलों ने ही कहा है कि वलो शाह अल्लाहू, और अगर अल्लाह चाहता, लो अगर शाह चाहता अल्लाहू अल्लाह, अगर अल्लाह चाहते ला अनजला, देखिए ला अनजला में जो लाम है वो हमारा ये इससे ताकीद पैदा हो रही है कि यकीनन वो भेजता, ठीक है ये लो के जवाब पर भी आ जाता है कि यकीनन वो नाजिल करता भेजता मलाइकतन फरिश्तों को, कि अगर अल्लाह ताला चाहते नबुवत का काम चाहते तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते। मा समीना बिहाजा, हमने नहीं सुना इसके बारे में, बिहाजा इसके बारे में, मा समीना हमने नहीं सुना, फी आबाइन अल अव्वलीन अपने पूर्वजों से, अपने पहले आबाओ अजदाद से, ठीक है फी का दर्जा से कर लेंगे, आबाइना हमारे आबाओ अजदाद, अल अव्वलीन पहले के, हमने अपने जो पहले के जो है आबाओ अजदाद है उनसे कभी नहीं सुना कि कोई इसी तरह आदमी आ जाता हो जो है और खुद हमें आके दावत देने लगे, हमारे ही दोस्तों में से उठ के आ जाए, हमने तो नहीं सुना। वकाल बाज़ुन्नासी, ठीक है और कुछ लोगों ने, देखिए बाज़ का तर्जमा यहाँ भी हम क्या करेंगे, कुछ का करेंगे, और कुछ लोगों ने ये कहा, क्या कहा, इन्न नूहन युरीदु अन यनाल रियासत व शरफ बिहाद तरीक, बेशक नूह अलैहिस्सलाम चाहते हैं अयनाला नाला यनालू हासिल करना, के वो हासिल कर लें, अयनाला के वो हासिल कर लें, देखिए नाला यनालू शायद आपको नहीं पता हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाला यनालू, ठीक है हासिल करना, के वो हासिल करें अर्रियासता सरदारी, कि बेशक नूह अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि वो हासिल कर लें सरदारी को, वो सरदार बनना चाहते हैं, वह शराफा और इज्जत, इज्जत हासिल करना चाहते हैं, ठीक है इज्जत कमाना चाहते हैं, बिहाजत तरीकी इस रास्ते से, तरीक रास्ता, हाजा ये इसका तर्जमा कर लेंगे, बी से इस रास्ते के जरिए वो जो है सरदारी और इज्जत हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों ने ये ताना दिया। ठीक है आज के सबक में इंशाल्लाह इतना ही, बाकी अगली वीडियो में, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।